टीवी शो नच बलिए की सबसे कंट्रोवर्शियल जोड़ी यानी कि रश्मि और नंदिश का नाम हाल ही में एक कंट्रोवर्सी से जुड़ा था, जहां इस शो में रश्मि ने कॉस्मेटिक सर्जरी की बात को कबूल किया था, जिसके लिए नंदिश ने उनका साथ देते हुए इस बात को रश्मि की गलती बताकर टाल दिया था। लेकिन आपको बता दें, जब हाल ही में हुए एक रेड कार्पेट के दौरान इन दोनों ने मीडिया से बात की, तब एक बार फिर से नंदिश ने मीडिया के सामने इस बात पर क्लैरिफिकेशन दिया। आई थिंक वो चीज हम लोग पहले क्लैरिफाई कर भी चुके हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का जो ये मुद्दा छपा था वो थोड़ा सा गलत छपा था, क्योंकि रश्मि और हमारे लिए एक टास्क था जो बाकी के कंटेस्टेंट्स ने भी किया था और एक सवाल पूछा गया था। तो मैंने ये चीज़ वहीं पर क्लैरिफाई कर दी थी कि रश्मि को कॉस्मेटिक सर्जरी और ट्रीटमेंट में फ़र्क समझ में नहीं आया था, और उसने जल्दी जल्दी में वो जवाब दिया था जो मैंने ऑन कैमरा वहाँ पर रश्मि को समझाया भी था, बट वो छपा कुछ गलत तरीके से। तो आई रियली डोंट नो कि अभी उस चीज़ पे क्या और क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। भाई नंदिश ने जब सब कुछ क्लियर कर ही दिया है, तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इनका सफर इस शो में कैसा चल रहा है, साथ ही इन दोनों ने आगे के सफर के लिए किस तरह की तैयारियां की हैं। जी नच बलिए अभी हम लोग ऑलरेडी फिनाले में पहुंच चुके हैं, और अभी हमारे टफ कॉम्पिटिटर्स तीनों बाकी के तीनों कपल्स टफ कॉम्पिटिटर्स हैं, हिमांशु अमृता, उपेन करिश्मा, मयूरेश और अजीशा। बट आई वुड से डांसिंग वाइज मयूरेश और अजीशा दे आर अनबीटेबल, बिकॉज वो लोग जिस तरह के परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं वो आउट ऑफ दी वर्ल्ड है। हम तीनों कपल्स मिला के भी अगर साथ में परफॉर्म करें तो भी उनसे मैचअप करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग भी कहते हैं ये एक्चुअली उनका ये कॉम्पिटिशन ही वो दिखाते हैं कि डांस और नच के मंच में डांस कैसा होना चाहिए। वेल, इनकी बातों से तो लग रहा है कि शो का आने वाला पड़ाव काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए ये दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब देखना है कि इनकी ये मेहनत कितना रंग लाती है, और इनके बारे में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें।